वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहरा आपको थोड़ा सीरियस हो, जो आपको डाउट है ना वो आज क्लियर हो जाएगा, जहां पे आपको डाउट लग रहा है। बेटा बोर्ड क्लियर है ना? रिलेशंस एंड फंक्शंस। किसी बच्ची ने ये क्वेश्चन भेजा है, अगर हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है सर बी दैट इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स दिस इज नल सेट। हमें निकालना है बेटा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरविंद आप बताओ, जब भी हम एनआईएफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम सेट ए का एक एलिमेंट ले रहे हैं और यहां से सेट बी का दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, मुझे बताना सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है 1, 2, 3 और सेट बी की कार्डिनलिटी क्या है 0, है ना? तो बेटा जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे ना वो सीधे मिलेगा 5। आप लोगों का क्वेश्चन होगा वाई, बिकॉज अगर मैं यहां से 1 चूज करूंगा यहां से तो कोई नहीं है, बिकॉज ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अब क्लियर? और दूसरा आंसर इस पॉइंट का ये भी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी होता ना, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, दैट इज 3 × 0, तो वो तो 0 मिलेगा ना। और यहां से भी जब आप निकालेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी वो तो 0 है। अब बेटा क्लियर? जहरा क्वेश्चन क्लियर? जहां पे आपको डाउट था बेटा ए ये है बी ये है, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो वहां ए से लेना है एलिमेंट, बी से लेना है एलिमेंट, यहां बी पे कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए 0 बन रहा है। ठीक है, एक और पार्ट दिखाऊंगा मैं, उसके बाद हम जाएंगे अरविंद अपनी एक्सरसाइज पे। से यू हैव अ सेट लाइक दिस अरविंद, ए इज इक्वल टू 1, 2 और बेटा बी इज इक्वल टू ए सिंगल टर्न से। अगर मैं अरविंद आपसे पूछूंगा ए क्रॉस बी निकालो तो आप क्या कहेंगे 1, A and 2, A, यही मिलेगा ना बेटा। तो यहां से अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ ए देखेंगे दैट इज 2, कार्डिनलिटी ऑफ बी दैट इज 1 और कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी होता है अनायत बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू दैट इज 2 × 1, तो वो मिलेगा 2 और देखो यहाँ पर 2 है। ओके चलो बेटा बोल रहा हूँ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अरविंद, हाँ बोलो बेटा क्या है आपकी जो रिलेशन है ना, इट इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना? आपको सेट ए में लेने हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 4, 1, 2, 3 to 4, लेस देन 4 है इक्वल टू 4। बेटा रिलेशन जो है आपके पास दैट इज क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस 5। हाँ अच्छा, आपके पास जो एक्स नेचुरल नंबर है दैट इज लेस देन 4, है ना? आपको एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है लेस देन 4, दैट इज 1, 2 और 3 देना है, ये है ना बेटा, ये है ना रिलेशन। तो आदिल ताबी देखो, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, अगर मैं यहां पर एक्स को 1 दूंगा वैल्यू, ये मिलेगा 1, यहां पर मिलेगा वाई का वैल्यू 6, तो 1, 6। अरविंद एक्स को 2 तो 2, 7, एक्स को 3 तो 3, 8, है ना? 4 नहीं दे सकते इतना, ये तो आपके पास बन गई रिलेशन। और इस रिलेशन को जो पहले एलिमेंट्स है ना, इसको कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। डी आर मिलेगा, क्या मिलेगा अरविंद 1, 2 और 3। रेंज क्या मिलेगा अरविंद? हाँ रेंज मिलेगा 6, 7, 8, है ना? और जो कुड़ू में होगा दैट इज जिस सेट पे ए डिफाइंड दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब क्लियर? बोलना बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक मिनट बेटा, आपने कहा सर क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दिस, क्या है बेटा 1, 2, 3, B = 4, 6, 9। हाँ बेटा देखो अरविंद, सबसे पहले जो आपकी रिलेशन है ना दैट इज द एलिमेंट्स एक्स कॉमा वाई, साइज दैट एक्स माइनस वाई जो डिफरेंस आएगी ना, या वाई माइनस एक्स डिफरेंस आए, एक्स माइनस वाई आर वाई माइनस एक्स जो डिफरेंस होगी दैट शुड बी आठ नंबर। आठ है बेटा, ये इक्वल टू होनी चाहिए आठ, डिफरेंस मस्ट बी। तो अरविंद इसको सिखाने से पहले आप मुझे निकाल के दो ए क्रॉस बी जल्दी काट कर पैटर्न। बोलो बेटा क्या है 1, 4, 1, 6, वेरी गुड 2, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 9, हाँ बेटा 5, 4,
हाँ 5.9 ये मिला आपको ए प्लस बी। अब अरविंद आप कह रहे हो कि सर इसमें मुझे वो ऑड पेयर नहीं है जिनकी डिफरेंस ऑड है, 4 में 8 चलेगा 3 मिलेगा तो 1.4 भी है, 1.6 भी है, 6 में 5, 1.9 नहीं आएगा, 9 में 1 चलेगा तो ऑड बनेगा, 2.4 भी नहीं आएगा, 2.6 भी नहीं आएगा, 2.9 तो आएगा है ना, दैट इज 7, 3.4 तो 1 है ये भी आएगा, 3.6 3 आएगा वो भी आएगा, 3.9 नहीं होगा, 5.4 आएगा, 5.6 आएगा बेटा, बस ये आपके पास बन गई रिलेशन। और इस रिलेशन का जो डोमेन है अरविंद बोलो क्या आएगा, 1, 2, 3, 5 यही है ना बेटा, और जो इसका रेंज होगा अरविंद बोलो 4, 6, 9 बस इतना ही ना, 4, 6, 9 और जो कोड डोमेन है दैट इज पूरा सेट जिस पे डिफाइंड, पक्का क्लियर, जिसको लिखना होगा वो लिखेगा। अब जो लोग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है कंटिन्यू कर लो, वो ये दो क्वेश्चन करके देंगे अभी मेरे, और सभी लोग बैठेंगे ग्रुप में अभी, आप भी अरविंद यहीं पे कर लो बेटा, बोलो अरविंद क्या क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये फिगर है ना, सेट ए है या पी है और सेट क्यों कोई दूसरा है, बोलो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा, हाँ बोलो बेटा क्या है इसमें लिखा होगा ना, 5, 6, 7 और यहाँ से 3, 4, 5 ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जो आपकी रिलेशन है ना अरविंद इस वक्त आर वो है 5.3 हाँ 6.4, 6.4, 7.5 आपको जो ये रिलेशन है जो ऐसे है लिखा आपने जिस कॉल सेट बिल्ड ये रोस्टर फार्म, अब आपको सेट बिल्डर फार्म में बनाना है, इसमें लिखना है कि ये रिलेशन कौन सी है, एक्स कामा वाई है लेकिन एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है, जैसे ये भी था ये क्वेश्चन आप करेंगे। दूसरा क्या है अरविंद, आपके पास ए है 1, 2, 3, 4, 6 आर जो है ना ये डिफाइंड है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए निकालना आपको, लेकिन अरविंद आर में जो एलिमेंट्स है दैट्स एक्स कॉमा वाई साइड है जो एक्स है ना एक्स एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स इज डिविजिबल बाय वाई डिविजिबल बाय वाई, आप अरविंद सबसे पहले निकालो ए क्रॉस ए फिर वो जोड़ी ले लो जिसमें एक्स को डिवाइड करेगा 1 वाई दैट मीन्स 1.1 भी आएगा, क्या कहते हैं बेटा पहले पूरा क्वेश्चन बोलो, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई साइज है एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स डिवाइडेड बाय, आपके पास लिखा होगा वहां ए कॉमा बी है ना, फिर क्या लिखा है बी एग्जैक्टली है ना बी ए बी सेकंड वन, दिस मीन्स यहां पर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, आप सबसे पहले निकाल के दो ए क्रॉस ए निकालना ना ए क्रॉस ए, फिर ए मैं दिखाऊंगा, अगर आप ए क्रॉस ए निकालेंगे ना आपको क्या मिलेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 इतना में देख सकते, इसके बाद आपको पता है 1.1 जो सेकंड है ना वाई वाई को तो 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1.2 भी आएगा, 2 को भी 1 से डिवाइड होगा ये भी आएगा रिलेशन में, 3 को भी हो रहा है 6 को भी हो रहा है, ऐसे आपको चेक करना है 2.1, 2.3, 2 आएगा ना, तो कर लो ये दो क्वेश्चन मेरे सामने यहीं पे, सभी लोग ऑनलाइन लोग भी करेंगे जल्दी।